हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा आप सभी जानते हैं, क्लास टेंथ का प्रोजेक्ट अब मोस्टली सभी स्कूलों में मिल चुका होगा, तो मैं उसी प्रोजेक्ट को लेके हूँ कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप ICSE की साइट पर जाके देखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस रिवाइज सिलेबस में सबसे लास्ट में उन्होंने कुछ असेसमेंट के टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप अगर उनमें देखेंगे तो बैंकिंग एक टॉपिक है। एक टॉपिक और है उसी में से, जिसमें एक फिक्स शीट को लेकर कॉर्नर से काटना है और उससे जो बनने वाला क्यूबॉइड होगा उसकी वॉल्यूम और उसकी साइड्स का रेशियो बताना है, ग्राफ बिल्ड करना है। उसका प्रोजेक्ट मैं बाद बताऊंगा, बट अभी हम बैंक का और टाइप ऑफ अकाउंट्स, किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट आपकी वीडियो है। सो इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने सब कुछ दे रखा है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आफ्टर दैट मैं एक बच्चे का प्रोजेक्ट भी दिखाऊँगा कि कैसे प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट भी आपको लगाना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट पेज आपका जो है वो दैट इज़ इंट्रोडक्शन, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से बैंकिंग की शुरुआत हुई, जापान, जर्मनी, कहाँ कहाँ से बैंक स्टार्ट हुए और नैन किस तरीके से बैंक को सपोर्ट हुआ, ये बताया जा रहा है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ अ बैंकिंग है, इसके बाद ये कॉइन्स की हिस्ट्री है कि किस तरीके से कॉइन्स स्टार्ट हुए इंडिया में, फिर डेफिनेशंस हैं आपके किस अकॉर्डिंग टू किस किस है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक है, ठीक है। आप ये फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसका, जिससे ये अच्छी तरीके से यूज़ हो सके। एंड देन फंक्शंस ऑफ बैंक की रिसीविंग डिपॉजिट, एडवाइजिंग लोन, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, ये सारे उनके फंक्शंस हैं। नॉन बैंकिंग फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन जो बैंक के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट्स ये पूछा है, सेविंग अकाउंट, ठीक, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे आप देख रहे हैं कि इन सारे में हम लोगों ने जो मैंने PDF बनाया है, ये काफ़ी यूज़फुल PDF है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक होता है, इंडस्ट्रियल बैंक होता है, एग्रीकल्चर बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, एक्सचेंज बैंक ऑफ फॉरेन होता है, सेविंग बैंक होता है, कस्टमर बैंक होता है, तो बहुत सारे रूरल बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, तो आप इन सब को लेके बना सकते हो। ओवरऑल 20 पेजेस का वो बोलते हैं, देन ये लास्ट में कंक्लूजन है एंड देन थैंक यू। अब मैं आपको बच्चे का एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसमें उस बच्चे ने यही PDF को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाया है और कुछ अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, जो आप भी कर सकते हो। सो बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो मोर नियर अबाउट 20 to 30 पेजेस का हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। सो चलते हैं बच्चे की PDF की तरफ। दिस इज़ अ प्रीफेस, उन्होंने प्रीफेस लिखा हुआ उस बच्चे ने, एंड देन आफ्टर दैट द सेकेंड पेज इज एक्नॉलेजमेंट, जैसे आई एम थैंकफुल फॉर आवर डियर प्रिंसिपल मैम, ये सर जो भी आपके स्कूल के होंगे वो आप यहाँ नेम लिख सकते हैं, एंड माई मैथमेटिक्स टीचर जो भी उनका नेम हो उनका नाम, एंड देन आपका एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट है। यही सेम एक्नॉलेजमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट में लगा सकते हो। कंटेंट दे रखा है, यानी इंडेक्स जिसे बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंक, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ बैंक, टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ बैंक, तो आप देख रहे हो वही PDF से लेके बनाया गया है। बैंकिंग किस तरीके से होती है ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन हिस्ट्री लिखा हुआ है, एंड देन हिस्ट्री के बाद किस तरीके से हिस्ट्री यूज़ हुई है, मैंने आपको बता रखा है कि आप इसी को लुक यूज़ कर सकते हो। डेफिनेशन दे रखी है, दो बड़े जिन्होंने बैंक के बारे में काफ़ी रिसर्च करी है, कमर्शियलिस्ट हैं, इनकी वो डेफिनेशंस हैं। आप वही PDF को चाहो तो डायरेक्टली लिख भी सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, अगर आपने ध्यान दिया वही है, काफ़ी हद तक वही PDF को यूज़ करा गया है, तो आप इसको में से भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ बैंक्स हैं, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, बस इन्होंने थोड़ा सा अपना एक चीज़ जोड़ दी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ पेमेंट, चेक, प्रोविजंस, ये सब कुछ चीज़ें इन्होंने एड ऑन भी कर रखी है। व्हाट इज़ करंट अकाउंट मीनिंग, ये फ़ोटोज़ उन्होंने एड ऑन कर रखी हैं, तो आप चाहो तो ये फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो। देन इसके बाद ये चीज़ें हैं, सेविंग अकाउंट की ये फ़ोटो है उन्होंने, ये अगेन उसी में से ही फ़ोटो को क्रॉप करके बड़ा करके लगा दिया गया है। अगर आपने देखा हो A4 साइज शीट जिसमें एक तरफ लिखना होता है, दूसरी तरफ ब्लैंक होता है,
तो उस साइड उन्होंने फ़ोटोज़ लगाई हैं, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट की ये फ़ोटो है, ये भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये इसके बारे में बताया गया है, आफ्टर दैट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप इसे रोक के चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स तो उन्होंने कुछ कलरिंग करके फ़ोटोज़ लगाई हैं ऐड ऑन, ये आप भी कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि जिस तरीके से उन्होंने इसको एक अच्छा लुक देने के लिए फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करा है, तो वही सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ बैंक फ़ोटोज़ नहीं है तो आप इंटरनेट से उस बैंक को अवेल कर सकते हो उनकी फ़ोटोज़ को। एग्रीकल्चर बैंक है, लैंड बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज हैं बैंक है, ठीक है। तो आप इन सबको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो फ़ोटोज़ को, जिससे वही आपका प्रोजेक्ट जो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट हो सकता था, बट इसकी मदद से वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट होगा। ऑब्वियसली इससे मार्क्स में इफ़ेक्ट आएगा, कोई भी टीचर आपको 20 से कम मार्क्स नहीं दे पाएगा। आप इनके रोक के इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे ये एक अच्छा बेहतर कोशिश करके जो आपकी फ़ोटोज़ है वो लेफ़्ट साइड ही लगाइएगा, और ये आपका प्रोजेक्ट होता है ख़त्म कंक्लूजन के बाद, ठीक है। आप लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर देना, ठीक है। या मैं पीडीएफ को भी लैंडस्केप मोड पे लाऊंगा, तो आप एक बार गो थ्रू उस पीडीएफ को भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।